गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। हमने साइंस के थर्ड चैप्टर में हार्बीवोरस है ना, कार्निवोरस, इन सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया था। हार्बीवोरस मींस जो प्लांट्स, वेजिटेबल्स है ना, प्लांट के पार्ट्स को ईट करते हो, उनसे न्यूट्रिशन लेते हो, एनर्जी लेते हो, है ना, वैसे एनिमल्स को हमने क्या कहा था, हार्बीवोरस। और कार्निवोरस किसे कहा था, और फ्लैश ईटिंग एनिमल्स है ना, जो अदर्स स्मॉल एनिमल्स है ना, लाइक रैबिट, डियर, गॉट, ठीक है, इनको ईट करते हो, है ना, तो ऐसे एनिमल्स को हमने क्या कहा था, कार्निवोरस। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ओमनीवोरस और एनिमल्स विच ईट बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। हम ऐसे एनिमल्स के बारे में यहाँ रीड करेंगे, लर्न करेंगे, जो वेजिटेबल्स भी ईट करते हों और एनिमल्स, अदर जो स्मॉल एनिमल्स, इंसेक्ट हैं, उनको भी ईट करते हों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, है ना, मेरे साथ साथ आप भी रीड करते चलिएगा, है ना, मैं जो बोलूँगी उसको आप वापस से रिपीट करेंगे। देयर आर सम एनिमल्स लाइक द बियर, कैट, डॉग, क्रो, पीकॉक, मंकी, हैन एंड कॉक विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, यहाँ कुछ एनिमल्स होते हैं, कौन कौन से, लाइक बियर मीन्स भालू, है ना, देखा होगा, ये देखिए यहाँ भी दिखा रहा, भालू, देन कैट जो आपके घर में भी आता होगा, है ना, कभी कभी मिल्क पी लेता है, और रैट के पीछे दौड़ते रहता है ना, चूहा के पीछे, उसको इट करने के लिए, खाने के लिए, तो कैट हो गया, डॉग जिसको आप डेली देखते हो, ये देखिए डॉग है ना, देन क्रो, ये क्रो जिसको आपने देखा होगा, ये पीकॉक जिसके बहुत सुंदर सुंदर पंख होते हैं, बहुत कलरफुल है ना, वो मंकी जो डेली आता है और सबको परेशान करता है, बंदर है ना, हैन कहते हो ना, एंड कॉक, ठीक है, मुर्गा, विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये सारे जो बियर हैं, कैट, डॉग, क्रो, पीकॉक, मंकी, ये जितने भी एनिमल्स हैं वो दोनों ईट करते हैं, दोनों मीन्स वो स्मॉल स्मॉल जो एनिमल्स हैं, है ना, इंसेक्ट हैं, उनको भी ईट करेंगे और ये वेजिटेबल्स को भी ईट करते हैं। ठीक है, जैसे आप डॉग को देखिएगा, डॉग को आप कोई फिश वगैरह देंगे, है ना, कोई चिकन वगैरह देंगे तब भी खा लेंगे, और इनको आप बिस्किट्स वगैरह देंगे, और आप जो दाल चावल देंगे इनको, है ना, जो आप राइस वगैरह नहीं जो आप खाते हैं घर में, या आप रोटी भी देके देखिएगा, ये उनको भी ईट कर लेते हैं, करते हैं ना, तो ये क्या है, दोनों चीज़ों को ईट करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम, ओमनीवोरस। ठीक है, जो दोनों टाइप्स के फूड को ईट करें वो ओमनीवोरस। द बियर ड्रिंक्स हनी एंड ऑल्सो सक्स द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स। जो बियर है, जो भालू होते हैं ना, ये क्या करते हैं, हनी, आपने शहद सुना होगा जिसको मधुमक्खियाँ बनाती हैं, है ना, तो वो इनको भी ड्रिंक कर जाते हैं, और इसके साथ साथ क्या करते हैं, जो अदर एनिमल्स होते हैं, जैसे जो छोटे छोटे अदर एनिमल्स होंगे उनके ब्लड को भी शक कर लेते हैं, उनके ब्लड को भी चूस लेते हैं, है ना, उनका जो खून होता है उसको क्या करते हैं, चूस लेते हैं, यहाँ जो शक, इसका मतलब क्या होता है, चूसना, है ना, तो ये जो अदर एनिमल्स होते हैं उनके भी ब्लड्स को चूस लेते हैं। द क्रो इट्स स्मॉल वॉर्म्स, डेड एनिमल्स एंड ग्रेन्स। अब जो क्रो होते हैं, कौवा है ना, वो क्या क्या ईट कर लेते हैं, वॉर्म्स, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनको भी, जो डेड होते हैं उनको भी, मतलब मर गए होते हैं ना, उनको भी ईट कर लेते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, ग्रेन्स, कुछ कुछ आप देखिएगा, आप
उनको कभी कोई अनाज दे के देखिएगा क्रो को, ये उनको भी ईट्स कर लेते हैं। देन हेंस एंड कॉक्स है ना, जो मुर्गी और मुर्गा होते हैं ना, जिसे आप चिकन बना के खाते हैं ना, वो ग्रेन्स, ठीक है, जितने भी ग्रेन्स होते हैं, जितने भी अनाज होते हैं, आप देखिएगा उनको कभी आप मक्का दीजिएगा है ना, उन्हें आप राइस दीजिएगा, वीट गेहूँ उनको दीजिएगा, वो उनको भी सारी चीज़ों को वो ईट कर लेते हैं। देन टीनी वॉर्म्स, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, देखे होंगे आपने, उनको भी वो ईट कर लेते हैं, इंसेक्ट्स को भी वो ईट कर लेते हैं, ठीक है। फिर पिकॉक, जिनके फेदर्स बहुत, जिनके पंख बहुत कलरफुल सुंदर होते हैं, वो नट्स, जो अखरोट सुना होगा आपने है ना, नट्स जो आते हैं वो उनको ईट्स करते हैं। और क्या करते हैं पिकॉक, ग्रेन्स है ना, जो हैंडकॉक लोग यूज़ करते थे, मतलब राइस मक्का वगैरह ये सब चीज़ को पिकॉक भी ईट करते हैं। और साथ ही साथ क्या करते हैं वो, स्नैक, ठीक है, जो बहुत सुंदर सुंदर से जो मोर है ना, मोरनी, वो क्या करते हैं, स्नैक्स, सांप को भी ईट कर लेते हैं। सच एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोरस, ठीक है, ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स भी खाते हों और एनिमल्स को भी खा लेते हों, वैसे एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे, ओमनिवोरस, ठीक है। सच एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोरस, ठीक है, ऐसे एनिमल जो प्लांट्स को भी ईट करते हो और एनिमल्स को भी ईट करते हो, उनको हम ओमनिवोरस कहते हैं। ह्यूमन बींग्स ऑल्सो ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ह्यूमन बींग भी है ना, देखिएगा ह्यूमन बींग फिश भी खाते हैं, चिकन भी खाते हैं, देन वेजिटेबल्स भी खाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं, नट्स भी लेते हैं, ग्रेन्स भी लेते हैं, सारा कुछ ईट करते हैं, हम भी क्या है, ओमनिवोरस, आप भी ओमनिवोरस, मैं भी ओमनिवोरस, ठीक है। द फीडिंग हैबिट ऑफ एनिमल्स डिपेंड्स अपॉन द पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, ठीक है, अब कोई एनिमल्स किस तरीके से फीडिंग कर रहा है, वो किस तरीके से खा रहा है ना, उनके बॉडी पार्ट्स पर डिपेंड करता है, उनके पास कैसे हैंड्स है, कैसे लेग्स हैं, उनके पास हैंड्स हैं या नहीं है, उनके पास लेग्स हैं या नहीं, उनके पास कैसे टीथ प्रेजेंट है, उनके पास माउथ कैसा है, ठीक है, उसके बेस पे वो उनका फीडिंग हैबिट्स होता है, उनके खाने का तरीका होता है ना। टीथ माउथ पार्ट्स क्लॉज एंड लेग्स आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स दैट हेल्प एनिमल्स व्हेन दे आर फीडिंग, ठीक है, टीथ दांत है ना, जैसे हम लोग दांत हो गया, हमारा माउथ पार्ट्स हो गया, और बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं ये इनके पंजे जैसे ही है ना, क्लॉज मतलब पंजे और लेग्स है ना, ये सारे उनके लिए यूज़फुल होते हैं जब वो किसी चीज़ को ईट करते हैं, ठीक है। तो कोई एनिमल्स कैसे किस तरीके से खा रहा है, उनके बॉडी पार्ट्स मतलब उनके पास कैसे कैसे ऑर्गन्स हैं, कैसे कैसे पार्ट्स हैं, उस पर डिपेंड करेगा, और उनको ईट करने के लिए क्या क्या हेल्पफुल होता है, उनके दांत, टीथ है ना, माउथ पार्ट्स इज लाइक टंग, ठीक है, लिप्स, ये सारे, क्लॉज उनके जो पंजे होते हैं वो, लेग्स उनके पैर होते हैं वो, है ना, ये सारे बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं जो भी एनिमल्स हैं उनके फीडिंग हैबिटेट के लिए, है ना, हैबिट्स के लिए, ठीक है, हैबिटेट नहीं, हैबिट्स। चलिए, थैंक यू, जिनको समझ में नहीं आएगा वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, ठीक है, और ध्यान से लर्न करिए, है ना, थैंक यू।